मारुति सुजुकी वैगन आर है, ओल्ड मॉडल, और ये प्योर पेट्रोल गाड़ी है फ्रेंड्स, और ये स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी करते हैं स्टार्ट, इग्निशन ऑन, इमोबिलाइजर लाइट और इंजन चेक लाइट दोनों आ रहा है फ्रेंड्स, और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो क्रैंकिंग सही से ले रही है, बैटरी पावरफुल है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आगे जाके देखते हैं, सबसे पहले गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती है फ्रेंड्स, तो पहले तो हमें एक चेक करना रहता है कि उसका बैटरी क्रैंकिंग सही से हो रहा है, इंजन चेक लाइट, इमोबिलाइजर लाइट सही से आ रहा है, और थर्ड नंबर पे उसका जो करंट है स्पार्क प्लग पे वो, और पेट्रोल का जो फ्यूल पंप ऑन हो रहा है या फ्यूल आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ये पाइप निकाल के भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन हम उसको प्रेस करके ही मालूम हो जाता है, और पीछे से फ्यूल पंप का ऑन होने का जो आवाज़ आ रहा है वो आवाज़ आ रहा है, यहाँ से प्रेशर भी बिल्ड हुआ हुआ है। तो पेट्रोल तो सही से है, तो सबसे पहले हम उसका चेक करते हैं करंट। तो करंट चेक करने के लिए सबसे पहले स्पार्क प्लग पे फ्रेंड्स ये वायर है वो निकाल के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लग डालते हैं हम। तो ये जो सेकंड नंबर का प्लग वायर था फ्रेंड्स, वो निकाल के हमने उस जगह पे एक्स्ट्रा प्लग डाल दिया यहाँ पे, और ये बॉडी अर्थ होना चाहिए यहाँ से। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं जो स्पार्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक हाथ से मैं सेल्फ लगाता हूँ, एक हाथ से यहाँ पे कैमरा में दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्पार्किंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और अभी भी यहाँ पे इंजन चेक का लाइट और इमोबिलाइजर का लाइट दोनों आ रहा है। ये नहीं आएगा तो भी करंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है तो उसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन वैगनर ओल्ड मॉडल के अंदर ज़्यादातर दिक्कत इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसका सेंसर, जो कैम सेंसर बोलते हैं, और इंजन चेक का लाइट आ रहा है फिर भी यहाँ पे स्पार्क प्लग पे करंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले उसका जो ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम रहता है वो, तो जो यहाँ पे उसका कैम शाफ्ट में जो पीछे सेंसर रहता है, कैम सेंसर जो ओल्ड वाला, तो उसी का कपलर में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है, किसी ने डाला हुआ या वायरिंग कटा हुआ है। तो हम चेक करने वाले वही चेक करते हैं उसको। तो इसके लिए सबसे पहले एयर क्लीनर निकाल देंगे, तो पहले भी फ्रेंड्स इसका वायरिंग का कुछ काम हुआ हुआ है, तो इसको ओपन करके देखते हैं अंदर से कहीं से टूटा हुआ है या लूज कॉन्टैक्ट है क्या। पहले ये लगता है कपड़ा डाला हुआ है, जॉइंट लगाया हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हो हल्का सा एक वाला पिन थोड़ा सा टेढ़ा है, शायद इसी के अंदर प्रॉब्लम लगता है, लूज कॉन्टैक्ट रहेगा तो भी ऐसा होता है। तो उसी को सही करके लगाते हैं फिर से, यहाँ पे एक जॉइंट है ये, और ज़्यादातर इसके अंदर भी प्रॉब्लम रहती है, तो इसको भी ओपन करके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा लूज कॉन्टेक्ट था, तो उसको सही करके कपलर को लगा देते हैं। तो सॉकेट लगा दिया है, बाद में वायरिंग करेंगे परफेक्ट टैपिंग लगा के। अभी जो अगर गाड़ी स्टार्ट होगा तो यहाँ पे सबसे पहले करंट आएगा और बाद में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे स्पार्किंग हो चुका है, पहले यहाँ पे जो वोल्टेज नहीं आ रहा था स्पार्किंग, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, सब हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, अभी ये जिसे था वैसे लगा के पूरा स्टेप बाय स्टेप फिटिंग कर देंगे और उसको सही तरीके से वायरिंग को, हार्नेस को, टैपिंग लगा दें। परफेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स कार, अभी हाफ सेल में गाड़ी स्टार्ट है।
वैगन आर परफेक्ट स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, जो करंट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, गाड़ी अभी स्टार्ट है और गाड़ी को करते हो आप इंजन, तो गाड़ी एकदम परफेक्ट स्टार्ट है। और पहले भी इंजन चेक का लाइट आ रहा था लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी भी आ रहा है और गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है।